आज हम आपको एलोवेरा से सोप बनाना सिखाएंगे। तो ये लिया है मैंने एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल को कैसे प्रोसेस करना है तो उसका मैंने वीडियो बनाया है, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो उसको आप वहाँ से देख लेना। और इसमें मैंने जो ऑयल है वो मिक्स किए हैं, इसमें कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, पाम ऑयल और ऑलिव ऑयल, इन सारे ऑयल्स को मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। ये है हमारा लाइव वाटर और ये है परफ्यूम। तो इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। तो चलिए सोप बनाना आपको सिखाते हैं। ये हमने लाइव वाटर इसमें मिक्स कर लिया है। ये हमने एलोवेरा में और परफ्यूम को मिक्स कर दिया है। अब हम एलोवेरा को इसमें मिक्स करेंगे। अब इस सूप को हम 12 घंटे के लिए ड्राई होने के लिए रख देते हैं। हमारा यह साबुन सूख चुका है, अब हम इसको ट्रे से बाहर निकाल लेते हैं। अब इस बने हुए साबुन को 6 से 8 हफ्तों तक के लिए क्यूरिंग के लिए रख देना है। मतलब हमें 6 से 8 हफ्ते तक अभी इस साबुन को यूज़ नहीं करना है। क्यूरिंग के लिए आप छांव में और हवादार स्थान पर इसको रखें। क्यूरिंग हो जाने के बाद आप इस साबुन को यूज करें।